आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे, हमारी जो वैकेंसी निकली है तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी निकली है, इसमें आपकी जूनियर असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, इसमें आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी बताऊंगा, और आज जैसे ही इसका पूरा नोटिफिकेशन आ जाए वो भी मैं आप लोगों को जल्दी जानकारी दे दूंगा। तो फ्रेंड, इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी निकली भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, इसका ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद। नोटिफिकेशन आप देख सकते 31 3 2021 का आया है। यहाँ पर सीनियर जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इन पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटनरी यूनिवर्सिटी, जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिंग प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे आपकी वैकेंसी है, देखते हैं सीनियर असिस्टेंट इन पीवी नरसिंह राव तेलंगाना वेटनरी यूनिवर्सिटी में 15, जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इन पीवी नरसिंह राव तेलंगाना वेटनरी यूनिवर्सिटी 10। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 102 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आपको बाकी अन्य जो डिटेल हैं क्राइटेरिया उसके डिटेल नोटिफिकेशन अवेलेबल होगा 1/4/2021 को 5 बजे तक पूरी जानकारी आ जाएगी। तो फ्रेंड, अभी इसकी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन ही अभी लिंक मिला है, जैसे इसका ओरिजिनल लिंक यानी आपका पूरा लिंक आता है नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी साथ, तो उसके साथ मैं आप लोगों की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड अभी कोई नोटिफिकेशन की जानकारी नहीं मिली है, जैसे उसके पूरा नोटिफिकेशन के लिंक मुझे मिलता है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। फ्रेंड, ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के हेल्पफुल है तो प्लीज़ जरूर बताएं, ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए प्लीज़ माय चैनल के साथ बने रहें। डेली आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहेंगी वीडियो देखने के लिए।